तो आज से पहले आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जहां पर आपको बताया जाता है कि आपका जो फ्लिपकार्ट का पे लेटर है वो आपको मिंत्रा में कैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई ऑफिशियल ट्रिक नहीं बताता। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका जो फ्लिपकार्ट का पे लेटर है आपका मिंत्रा अकाउंट में कैसे यूज करें और फोनपे अकाउंट में भी कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहता हूं, यहां पर भी हम लोग एक इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जहां पर अगर आपका अकाउंट में फ्लिपकार्ट पे लेटर नहीं भी है आप कैसे इसको अप्लाई करके ले सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देना चाहता हूं, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये वीडियो में जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा वहां को यूज करके आप फ्लिपकार्ट का जो पे लेटर है वो आराम से ले सकते हैं। जो पे लेटर है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में पूरा। ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, तो वेट किस बात का दोस्तों। तो मेरा नाम है प्रकाश, आप देख रहे हैं पीएन क्रिएशन, चलन तो आज की जी नुआ सीखीवा। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप पहले एक बार जाके चेक कर लीजिए अपना जो भी फ्लिपकार्ट अकाउंट है, जाके एक बार चेक कर लीजिए। फ्लिपकार्ट सेक्शन में जाइए, थ्री वाला जो बार दिखा रहा होगा ना वहां पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपका जो माई अकाउंट का सेक्शन रहता है उसके ऊपर क्लिक करके देखिए कि यहाँ पर जो फ्लिपकार्ट का पे लेटर का ऑप्शन यहाँ पे आपको शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। इनकेस आपको शो नहीं कर रहा है तो फिलहाल के लिए ये अभी आप यूज नहीं कर सकते हैं। इसका जो भी कैसे यूज करेंगे ये जो ट्रिक है मैं आपको वीडियो एंड में बताता हूँ, ठीक है। पहले जो इसके पास ये वाला शो कर रहा है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जिसके पास ये वाला फ्लिपकार्ट का जो पे लेटर ऑप्शन शो कर रहा है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मांगा जाता है आपका जो पैन कार्ड नंबर है और आपका जो आधार कार्ड नंबर है, ठीक है। आधार कार्ड नंबर देने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा ना, आधार में नंबर रजिस्टर होना जरूरी है दोस्तों, नहीं तो जिसके पास आधार का नंबर रजिस्टर है उसी टाइप का आधार और पैन कार्ड दोनों का सेम डालिएगा, क्योंकि यहाँ पे आधार का ओटीपी वेरीफाई होता है फ्लिपकार्ट में, ठीक है। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद जैसे वेरीफाई हो जाता है वो कुछ चेक करता है आपका जो क्रेडिट स्कोर वगैरह कुछ चेक करता है। चेक करने के बाद को यहाँ पर कुछ अमाउंट दे देता है फ्लिपकार्ट, जो कि आप देख सकते हैं मेरे को 2000 रुपीज मिला है फ्लिपकार्ट पे लेटर में। दो तीन दिन से ये मेरे को मिल गया है, ऑब्वियसली दो तीन दिन से ये मेरे को मिल गया है ये जो फ्लिपकार्ट का पे लेटर है 2000 रुपीज। लेकिन इसके बारे में मैं वीडियो इसीलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मैं अभी ट्रिक ढूंढ रहा था कि ताकि आपको फोन पे और मिंत्रा में आपको कैसे इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जैसे आप अप्लाई कर देते हैं आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर, यहाँ पे कुछ अमाउंट आपको दिया जाता है, ठीक है। इनकेस ये जो फास्ट वाला स्टेप है, आपको कोई भी प्रॉब्लम रहता है कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिएगा मुझे, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा और जो भी सोल्यूशन है बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपका फोन पे अकाउंट में इसको कैसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपका जो फोन पे अकाउंट है, ठीक है, फोन पे जो अकाउंट है, जो अकाउंट में आपका फ्लिपकार्ट का जो नंबर रजिस्टर है उसी नंबर के साथ आपका एक फोन पे नंबर होना भी जरूरी है। मतलब फ्लिपकार्ट जिस अकाउंट पे आपने रजिस्टर किया होगा फोन पे का सेम दो नंबर, फोन पे का नंबर और मिंत्रा का नंबर, तीनों नंबर सेम होना चाहिए। मतलब एक ही नंबर पे तीनों का अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। ये नंबर पे आपका फ्लिपकार्ट का अकाउंट है, सेम नंबर पे आपका फोनपे का अकाउंट है और सेम नंबर पे आपका मिंत्रा का अकाउंट होना चाहिए। जैसे आप सेम नंबर पे अपना जो भी फोनपे का अकाउंट खोल लेते हैं ना, यहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट के एक ऑप्शन पे शो करता है कि आपका जो फ्लिपकार्ट का पे लेटर है ये इसको आप फोनपे में यूज करना चाहते हैं। फोनपे का अकाउंट है, माई मनी का सेक्शन रहता है, उसके ऊपर जाने के बाद आपको वहां पे एक आइकन शो करेगा जहां पर लिखा होगा कि फ्लिपकार्ट पे लेटर। उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं आप मोबाइल नंबर के साथ वेरीफाई करके फ्लिपकार्ट के साथ लिंक हो जा सकते हैं। उसके बाद फोन पे का जो भी फैसिलिटी है, जो भी फैसिलिटी है वहां पर स्विगी पे ऑर्डर कर सकते हैं, डोमिनोज पे ऑर्डर कर सकते हैं, जो भी फैसिलिटी है वहां पे फोन पे का अंदर ही दोस्तों, बाहर नहीं, ठीक है। फोन पे का अंदर जो भी फैसिलिटी है वो फ्लिपकार्ट के द्वारा अप्लाई हो जाएगा। कोई रिचार्ज करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो आप फ्लिपकार्ट पे लेटर पे यूज कर सकते हैं। तो ये स्टेप सारे फॉलो करने के बाद आप फोन पे में फ्लिपकार्ट का जो पे लेटर ऑप्शन है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप, मतलब यहाँ पर आपका फोन पे में फ्लिपकार्ट पे लेटर लिंक हो गया। इसके अलावा अगर आप कुछ डाउट है मन में, डाउट मत रखिएगा, कमेंट सेशन है जाके बता के जाइएगा,
ठीक है, मैं आपको तुरंत अप्लाई करूंगा और जो भी मेरे तरफ से बन पाए मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि मिंत्रा पे आपको कैसे रजिस्टर करना है। उसके बाद एक मिंत्रा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। पहले आपके पास जो मिंत्रा एप्लीकेशन है उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं। जैसे उसके बाद मिंत्रा एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास जो मोबाइल नंबर मैंने बोला था सेम मोबाइल नंबर होना चाहिए जो फ्लिपकार्ट में है। मोबाइल नंबर के क्लिक करने के बाद आप ओटीपी के द्वारा वेरीफाई हो जाएंगे। इनकेस आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप लॉगिन वगैरह कर सकते हैं, जीमेल के साथ कर सकते हैं, ठीक है, जीमेल के साथ लॉगिन कर सकते हैं। जीमेल के ऊपर क्लिक करने के बाद वहां पे क्लिक कर दीजिएगा, जीमेल के साथ लॉगिन कर दीजिएगा और ओटीपी के साथ अपना मोबाइल नंबर जो भी है आप वेरीफाई कर दीजिएगा, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद अपना मोबाइल नंबर मिंत्रा पे रजिस्टर करने के बाद कोई भी एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही आगे जाके पेमेंट ऑप्शन में जाते हैं आपको वहां पे एक आइकॉन शो करेगा जिसपे लिखा होगा फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन आपको शो करेगा, ठीक है, फ्लिपकार्ट का पे लेटर ऑप्शन शो करेगा। उसके ऊपर चूज करने के बाद आपका जो भी पेमेंट है आप कर दीजिए, फ्लिपकार्ट पे लेटर से वो वाला अमाउंट कट जाएगा। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं यहां पर जो फ्लिपकार्ट का पे लेटर रहता है आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप कोई भी अमाउंट लेते हैं तो इस महीना का जो भी ट्रांजैक्शन रहता है नेक्स्ट महीना 1 से 10 तारीख के अंदर आपको देना पड़ता है दोस्तों फ्लिपकार्ट का। लेकिन मुझे अमेजन का बहुत अच्छा लगा, जो अमेजन का जो पे लेटर अमेजन का जो ईएमआई होता है ना वो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि अब जो 20 तारीख के बाद जो भी प्रोडक्ट लेते हैं वो अगले महीना नहीं उसके अगले महीना में, जैसे कि मैं अभी से कहा मान लीजिए अभी जून महीना चालू है, अगर जून 20 के बाद मैं कोई भी प्रोडक्ट लेता हूँ अमेजन ईएमआई मतलब अमेजन पे लेटर में, वो जुलाई महीना में पैसा नहीं लेगा, आपको अगस्त 5 में पैसा लेगा। मतलब अमेजन का ये पॉलिसी है, बहुत ही अच्छा खासा पॉलिसी है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं फ्लिपकार्ट के बारे में, तो फ्लिपकार्ट के बारे में ही बात करते हैं। तो यहाँ पर आप मिंत्रा में भी जैसे प्रोडक्ट वगैरह सिलेक्ट करके पेमेंट कर देते हो तो फ्लिपकार्ट का जो ऑर्डर है आपका ऑर्डर हो जाएगा, मतलब आपका जो ऑर्डर है मिंत्रा का फ्लिपकार्ट पे लेटर के द्वारा ऑर्डर हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा खासा ट्रिक है, बहुत ही अच्छा खासा ऑफर है, मतलब ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगा फ्लिपकार्ट में। जहां पर फोन पे में कोई रिचार्ज वगैरह करते हैं तो वहां पे फ्लिपकार्ट पे लेटर में हो जाएगा, मिंत्रा में कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो फ्लिपकार्ट का पे लेटर हो जाएगा। मेरे को तो मतलब 2000 रुपीज मिला है, आपको ज्यादा मिलता है तो बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों अभी बात करते हैं जिनके पास मतलब फ्लिपकार्ट का पे लेटर का ऑप्शन प्रोफाइल सेक्शन में शो नहीं कर रहा है उन लोग क्या करेंगे। तो आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके अपना जो मोबाइल नंबर है चेक कर सकते हैं कि आपका फ्लिपकार्ट का जो पे लेटर का ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है। इनकेस आपका अवेलेबल है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। ये दोस्तों डिपेंड करता है कि अपना वो वाला अकाउंट में आप कितना ऑर्डर किए हैं, फ्लिपकार्ट से हर महीना कितना ट्रांजेक्शन करते हैं, आप कितना एक्टिव यूजर है, तो ये सारे चीज वैल्यू रखता है अगर आप फ्लिपकार्ट पे लेटर लेना चाहते हैं। तो इनकेस आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आप जाके देख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूजर को फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इनकेस आपको दिखाई नहीं देता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक वाला ट्रिक फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वाला वीडियो में मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वाला वीडियो में मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा जहां पर आपको 100% आपका फ्लिपकार्ट का जो पे लेटर है शो करेगा, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, ठीक है, नेक्स्ट वाला वीडियो में बताऊंगा इनकेस आपका शो नहीं कर रहा होगा तो। दोस्तों आप बताएंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा, तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता के जाइएगा कि मेरा शो कर रहा है या मेरा नहीं शो कर रहा है, ताकि मुझे भी पता चल सके कितने लोगों हैं जहां पर आपका फ्लिपकार्ट पे लेटर शो नहीं कर रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा खासा ट्रिक है, आप इसको अप्लाई कीजिए, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया एक के एक करके फॉलो कीजिए, ठीक है। तो आशा करता हूं जो ट्रिक जो ऑफर इस वीडियो में मैंने बताया आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो आपकी तरफ से एक लाइक करना, सारे दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कुछ जरूर बता के जाना आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में नया लूट और रानी का ट्रिक लेके, तब तक के लिए खुश रहिएगा। जय जगन्नाथ।